आज का जो प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 गणित को लंबी आकृति संकेत करती है। जैसे आपने देखा होगा जब आपने गणित की जादू किताब देखा होगा या किताब का कवर पेज देखा होगा या वहाँ पे देखा होगा कि गणित को लंबी आकृति संकेत करती है। तो ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जिसे हम NCF कहते हैं, तो इसमें क्या उद्देश्य, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, आखिर ऐसा क्या है। मैंने ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित की जो लंबी आकृति का संकेत है, इसका वास्तव में प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो लोग लाइव हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रश्न को उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। देखिए आप सभी लोगों ने इसके अलग अलग उत्तर बताए हैं, सभी लोगों ने कमेंट किया, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित है कि गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की लंबी आकृति का मतलब जैसे हमने क्या देखा, जैसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पहले जोड़ पढ़ते हैं, ठीक, जोड़ से संबंधित फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, घटाना पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं। क्या बिना जोड़ पढ़े गुणा या भाग पढ़ा जा सकता है? केवल कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बिना जोड़ को पढ़े कि हम गुणा या भाग पढ़ सकते हैं, या बिना घटाना को पढ़े हम गुणा या भाग पढ़ सकते हैं। तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक संकल्पना जो होती है वो दूसरी संकल्पना पर सीधे सीधे बनी होती है। मैंने अगर जोड़ की संकल्पना नहीं पढ़ेंगे तो हमें घटाना, गुणा और भाग की संकल्पना समझ में नहीं आएगी, या हम अगर घटाना की संकल्पना ना पढ़े तो हमें गुणा या भाग की संकल्पना ना आ जाए। इसीलिए राष्ट्रीय पाठचर्या हमारे NCF 2005 कहता है कि गणित को लंबी आकृति के संकेत करती है, माने एक संकल्पना दूसरे संकल्पना पर आश्रित होती है। जैसे अगर हम 2D आकृति बिना पढ़े अगर 3D आकृति को पढ़ना चाहे तो हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार इस दिए गए प्रश्न का अब बताइए कौन सा विकल्प सही आपको लगता है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके अब आपको लगता है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यह जो आपका प्रश्न है वो क्या होगा, चौथा होगा इसका राइट आंसर, मतलब एक संकल्पना दूसरी संकल्पना में बनना, जिससे क्या होता है एक लंबी आकृति का संकेत करता है, माने जोड़ जोड़ के ऊपर, घटाना घटाना के ऊपर, गुणा गुणा के ऊपर भाग। इसलिए ऐसे प्रश्न का जो जवाब होगा वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। भविष्य में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करने के बाद लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, शेयर करने का काम आपका है, क्योंकि CTET की जान है उसकी व्याख्या, वो भी NCF 2005, RTE 2009 समावेशी शिक्षा, फिर गणित शिक्षण। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5+3 इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदरूपी मुक्त प्रश्न क्या होगा। इसमें का अगर मुक्त प्रश्न बनाना चाहे तो क्या होगा, सभी लोग पहले सोच लीजिएगा, विकल्प को पढ़ लीजिएगा, फिर इसका जवाब आराम से दीजिएगा। ठीक है, सभी ने पढ़ लिया होगा उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, मैं आज पहले तो यह स्पष्ट कर देता हूँ, बंद मुक्त वाले प्रश्न, खुले मुक्त वाले प्रश्न क्या होता है। देखिए जैसे जहाँ पे बंद मुक्त वाले प्रश्न होते हैं, जैसे 5+3, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कि 5, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, शायद आपके कॉन्सेप्ट कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 5+3, इसका एकमात्र उत्तर 8 आएगा। क्या 8 के अलावा इसका कोई अन्य उत्तर हो सकता है? मतलब अगर जिसको 5+3 पता है उसे कहते हैं बंद उत्तर वाला प्रश्न, माने इसका उत्तर फिक्स है, माने इसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है तो वे संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो इसमें क्या होगा, 6+2 = 8 = 7+1, फिर 8 = 4+4। तो हमने ये देखा कि 8 = 5+3, माने जब एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो तो उसे हम मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कहते हैं। अच्छा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में क्या होता है, दोनों में अंतर डिफरेंट क्या होता है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया 5+3 क्या होगा, तो जिस कक्षा में अगर हमारे 30 बच्चे हैं तो अगर 30 को पता होगा तो उत्तर बताएंगे, नहीं पता तो नहीं बताएंगे। किंतु यदि, लेकिन यदि आप ये ध्यान रखिए, अगर हम ये पूछ दें कि भैया 30 में जिसको पता वही बता पाएगा 5+3 = 8, लेकिन 8 के किन्हीं दो का योग 30 कैसे होगा, यह लगभग सभी साथी बता लेंगे। जैसे मैं पूछ दिया वर्षा क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है, तो यह बंद मुक्त वाला प्रश्न हो गया।
कि भैया एक का ही कारण है वर्षा क्यों होती है, जिसको पता बताएगा, लेकिन यह पूछ दिया जाए कि वर्षा होने के बाद क्या होता है, तो मुझे लगता है ये खुला प्रश्न है, ये मुक्त उत्तर प्रश्न है, सभी जवाब दे सकते हैं। जितने लोग इस वीडियो में लाइव हैं सभी जवाब दे सकते हैं कि भैया वर्षा होगा तो क्या होगा। कोई कहेगा मेरा घर डूब जाएगा, कोई कहेगा स्कूल बंद हो जाएगा, कोई कहेगा छत चूने लगेगा, कोई कहेगा सर पानी बरसने लगेगा, कोई कहेगा छाता निकल जाएगा। मतलब जितने लोग हैं वे सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं। अब जरा एक बार आप कमेंट करके बताइए, अब इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही आपको लगा, इसमें से चारों विकल्प में से कौन विकल्प ऐसा है जो मुक्त आंसर वाला प्रश्न हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, अगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई भी समझा सकता है आपको। ठीक है, आपने एकदम सही बताया कि अब माने ऐसी कोई दो संख्या जिनका योग 8 हो, मतलब आप यहाँ स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि ऐसी कोई दो संख्या जिनका योग 8 हो, तो आपको उत्तर पता हो गया इसका उत्तर क्या होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अगर यहाँ से कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि तो मेरा उद्देश्य केवल केवल आपको सिलेक्शन तक ले जाना है, तथ्यों को स्पष्ट करना है, वो भी पूर्ण रूपेण। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, उसके तो स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, हमेशा काम आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया। ठीक है, अभी मैं देख ले रहा हूँ आपके प्रश्न। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 100 पुस्तकें थी नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता ही नहीं है, 219 पुस्तक अलमारी में रखी हैं और 120 पुस्तक 32 पुस्तक बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी, शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। अगर आप शिक्षक हैं तो इस प्रश्न के द्वारा किस मूल्य को आप पढ़ा सकते हैं, यही आपको प्रश्न में जवाब देना है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न के बारे में आपको बताऊँ, एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर का पूछे प्रश्नों की सीरीज है ये। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी विभाग में 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, माने पुस्तक नष्ट होना, किसी को पता न लगना, इससे अस्पष्ट होता। जैसे आपके घर में कोई चिरक, मैंने आपको एनसीईआरटी कुछ किताबें दे दी, अगर वह एनसीईआरटी की किताबें गायब हो जाए नष्ट हो जाए, इसमें क्या किया आपने। मतलब जैसे मैंने आपको 10 किताबें दे दी, बताइए उस समय क्या होगा। जैसे मैंने आपको 10 किताबें दे दी एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी किताबों देने के बाद तो क्या हुआ, उसमें से आपने 3 आपकी मिल नहीं रही है और 5 नष्ट हो गई है, बची 2 है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अन्य की सहायता किया, अन्य पुस्तक साथ साझेदारी किया, सहयोग को समझ, इसका मतलब आपने उन पुस्तकों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोग लाइव जोड़ रहे हैं वो लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको तथ्यों के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, अगर आ गई हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा। हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन तक लेके चलना है और तथ्यों को पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्पष्ट करना है, यह हमारी पहली और अंतिम उद्देश्य होगा, क्योंकि आप लोग टाइम पास करने के लिए नहीं, यहाँ सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए, तो जब यह उद्देश्य है हमें इस उद्देश्य की पूरी पूर्ति करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संख्याओं का मात्राओं का मापन होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को यह प्रश्न काफी आसान सा लग रहा होगा। ठीक है, आप लोग इसका विकल्प पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से और फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या, मैंने एनसीएफ 2005 की बात कर रहा हूँ, किसकी, एनसीएफ 2005। अब मैं ये नहीं पूछूंगा एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है क्योंकि आपको रट चुका होगा। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण को नहीं करता, पूरा करता है। बच्चे चिंतन की प्रक्रिया का गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, यह भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का जो शिक्षण है वो क्या है, गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तो जी इसका उत्तर ए होगा, गणित में शिक्षित के संकीर्ण उद्देश्य को पूर्ति करता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जो संख्या संक्रियाएं होती है, मात्राओं का मापन होता है, ये गणित शिक्षित के संकीर्ण उद्देश्य जो है उन सभी की पूर्ति करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये क्या होता कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर
कौन सा शिक्षण है, तब वहां पर हम सी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर उसने एक शब्दावली दे दिया है और वह शब्दावली क्या है एक बार ध्यान से देखिएगा, स्तर पर संघ ए, यहाँ तक कि शब्दावली जो दिया है संख्याओं पर उनकर संख्याओं मात्राओं का मापन, इसका उद्देश्य है गणित शिक्षण में संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करना। इसलिए इस दो नए शब्दावली की वजह से इस प्रश्न का उत्तर ए है, अन्यथा ये न होता इसका उत्तर सी होता। ठीक है, संकीर्ण माने उनके महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना, माने हर क्षेत्र को पूरा करना, संकीर्ण माने सभी क्षेत्र को पूरा करना। ठीक है, माने कोई भी चीज छूटने ना पाए, ऐसे समझ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा तीन में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, और वह कहता है, यहाँ पे जोड़ लेता है, यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कौन सी कमी है। यहाँ पे चार विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प को एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आप ये ना कह सके कि सर आपने जल्दी से उत्तर बताना शुरू कर दिया। और लाइक कर दीजिएगा, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा तीन में गणित को जोड़ पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 8 2 10 होता है, उसने क्या लिखा है, 2 लिखा, मतलब उसने क्या किया है, 8 में से 2 घटा दिया है। यहाँ 6 2 8 होता है और 2 में से 6 घटेगा भी नहीं, यहाँ 6 में से 2 घटाया 4 किया है। 7 5 12 होता है, तो यहाँ पे ने जोड़ा ने घटाया 8 आया है, 11 आया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि बच्चे को जोड़ नहीं आता, इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे को जोड़ नहीं आता। ना यहाँ पे उसने स्थानीय मान की गलती की है, माने यहाँ पे सही क्रम की अवधारणा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रम भी नहीं उसने किया है। पुनः समीकरण द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा, माने अगर हासिल न सही लगाया होता तब ये स्थानीय मान की अवधारणा होता, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो यही स्पष्ट है। उसने लिखा क्या है, क्या किसी एंगल से लग रहा है कि उसने जोड़ को जोड़ने का प्रयास किया है या घटाने का प्रयास किया है, न इसने जोड़ा है न घटाया है। इसका मतलब उसे योग कौशल ही नहीं पता, उसे जोड़ ही नहीं पता। क्या आप लोग इस बात से सहमत है कि उस बच्चे को जोड़ की अवधारणा ही नहीं पता है, उसे योग कौशल की जो अवधारणा है वही उसे नहीं पता है। तो आप लोग बताएं कितने लोग इस प्रश्न के विकल्प ए से संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले तो आप लोग कहते हैं ए नहीं ये होगा, लेकिन ए क्यों होगा मैंने स्पष्ट बताया, क्योंकि जोड़ का कोई नियम फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, जब जोड़ का कोई नियम नहीं फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, मतलब उसे योग कौशल कमी है। जैसे मैं अगर एक सपोज दैट एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रश्न आया और मैंने आपको पोल दिया, कह दिया इसका उत्तर ये है, मैंने क्या कह दिया इसका उत्तर ये है, फिर मैं आगे बढ़ गया, इसका मतलब मुझे उस प्रश्न के बारे में व्याख्या नहीं पता, मैं केवल टाइम पास कराने आया हूँ। जैसे मैं एक टीचर हूँ, जैसे मेरे सामने प्रश्न की सीरीज आ गई, मैंने कहा इसका ये है, इसका कौन विकल्प सही है, आपने कहा ये ठीक है ये सही है, फिर मैं आगे बढ़ गया। तो ऐसा करने का मतलब ये है कि मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे प्रश्न की सीरीज मुझे कह दिया गया पढ़ाने को पढ़ा, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं तथ्यों की व्याख्या ना कर सकूँ, तथ्यों को स्पष्ट ना कर सकूँ, तब तक मेरा पढ़ाना मेरे शिक्षण पद्धति को, शिक्षण गुण को पूरी तरह से नकारता है। अब यहाँ पे क्या है कि पुनः समूहीकरण करके योग कौशल, माने दोबारा उसने समूहकरण करके जोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं किया है, माने जब किसी भी एंगल से जोड़ सही नहीं है फिर हम कह ही नहीं सकते इस प्रकार का जोड़ क्या होगा, सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। यह बात आप लोग भली भांति से जानते रहिएगा और परीक्षा में ऐसी गलती कदापि ना करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तथ्य को स्पष्ट हो गया आपका ना। चलिए अगला है, कक्षा 4 की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है, माने बहु अनुशासनात्मक माने जिसमें एकदम पूरी तरह से अनुशासन, ठीक है, कौन से की ओर संकेत करता है। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा, अगर मैं इसको बता दिया कि फलवा ये विकल्प सही है ये विकल्प है ये बता के मैं अगले प्रश्न की तरफ दिया, इसका मतलब मेरे ज्ञान में कमी है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को अध्यापक पढ़ाने को मिल जाएंगे और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उससे अच्छा था आप पढ़ा लेंगे, यार 10 क्वेश्चन पढ़ाना रट के आइए, इसका ही उत्तर, इसका ही उत्तर, आगे बढ़िए, लेकिन जब तक तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, पेडोलॉजी कहता है तथ्यों की व्याख्या करनी। अब देखिए ऐसा प्रश्न आया है, अगर आपको इसके तथ्य नहीं पता रहेंगे, मैं केवल उत्तर बता के अगर आगे बढ़ गया तो क्या भविष्य में ऐसे प्रश्न आप सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी व्याख्या करना जरूरी है और व्याख्या करना है, और ऐसे ही टीचर को आप पढ़िएगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, बेशक सफल हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप भी एक अभ्यर्थी, ऐसे ही टीचरों को पढ़कर अपना समय बर्बाद मत करिएगा, जहाँ पे केवल केवल तथ्य को प्रश्न को उत्तर बता के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दिखिएगा, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना, ये तो आसान है, यहाँ पे बहुत अनुशासन नहीं है, मैंने कोई भी ज्यामितीय आकृति ले लिया, मैंने जैसे ले लिया ये आकृति,
जैसे मैंने कोई व्यक्ति सॉरी यहाँ पे ये मैंने आकृति ले लिया, अब इसमें एक रेखा खींचना है तो मैं क्या किया, एक रेखा आसानी से खींच लिया, कहीं भी खींच दिया, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखा है, कोई भी आकृति दी हो उसमें कितनी सममित रेखा, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए इसमें कितनी रेखाएं हैं तो आप बता देंगे। अगर कह दिया जाए दी गई छवि में दर्पण प्रतिबिंब कारक का होगा, इस कार्य दर्पण में क्या होगा, यही होगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक अनुशासन नहीं हुआ, लेकिन अगर भारत के झंडे का आरेख बनाया जाए तो झंडे के सममित रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। यहाँ पर जो झंडे का अनुपात होता है, जैसा कि आपको पता है 3:2 होता है, तो ऐसा नहीं है कि हरे को ऊपर नीले को नीचे, ऊपर नीचे तो किया नहीं जा सकता, और जब ऐसा नहीं किया जा सकता उस दशा में उस कंडीशन में यह क्या होगा, बहु अनुशासन, माने ऐसे प्रश्न को हल करने में अनुशासन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ेगी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए, अब आप लोग कमेंट करके बताइए। अब तो मैंने समझा दिया ना कि अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किस प्रश्न को हल करने में सबसे ज्यादा अनुशासन लगेगी इन चार विकल्पों में, कौन से ज्यादा अनुशासन वाली प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों से बचेगा जो केवल विकल्प बताकर आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं, छोड़ दीजिएगा मुझे, क्योंकि जिस दिन मैं ऐसा करने लगूं समझ जाइएगा कि दुर्गेश सर अब बहकाना शुरू कर दिए, पढ़ाना नहीं। हम आगे प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, समझ में आ गया सबको ना। यहां से देखिएगा, नीचे दी गई ग्रिड पर खींचा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं तो ऐसे प्रश्नों को दुहाई देता हूं, ऐसे प्रश्न आप लोग के सामने आए तो। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक डायग्राम बनाया गया है, वर्गाकार कागज बनाई गई है, यहाँ पे बिंदी बिंदी दिया गया है, यहाँ पे भी डॉट बिंदी दिया गया है, और यहाँ पे ये पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको किसी विकल्प का चयन करना है, तो भैया आप चयन करके बताइए, और आपका भी काम है वही, नहीं चयन करेंगे तो मैं उसी लिए तो बैठा हूँ यहाँ। इस तथ्य को अच्छे से समझना है आपको, कैसे समझना है, ध्यान से एकदम समझिएगा, बेहतर लगे तो क्लास पढ़िएगा वरना छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़कर ये क्लास नहीं है, याद रखिएगा आपके कैरियर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक ग्रिड दिया गया है और ग्रिड में चार ऑप्शन दिया गया है, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्या था, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक मिनट रुकिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे पढ़ा था, याद है आप लोग को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहीं पे इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट डिजिट, 10, 100, 1000, इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, यहां भी क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए नीचे दिया गया है, ये संकेत दिया गया है, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसका मतलब ये है, ये क्या है, ये 1, 2, 3, 3 इकाई, 1, 2, 3, 3 दहाई, 3 इकाई, 3 दहाई, 3 यूनिट और 3 10 यूनिट, इसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे 33। अब ये बताइए, अब आप लोग बताइए कमेंट करके, अब इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, अब आपको बताना है अब इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो आप आसानी से पता हो गया कि जैसे इस 33 को हमें विस्तृत रूप में लिखना है तो 33 कैसे लिखेंगे, 30 + 3 = 33। आपने कई बार पढ़ा होगा, सीटेट में ऐसा प्रश्न आ चुका होगा, 11,000, 1,111, तो 11,000 का मतलब क्या होगा, 11,000 + 1,100 = 11, ये क्या स्थानीय मान की अवधारणा का स्पष्ट करता है। कुछ लोग तुरंत लिख देंगे 12,111, ठीक है, कुछ लोग ये इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन यह स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करता है। और यह प्रश्न भी जो आपके सामने है, यह क्या है, यह आपकी स्थानीय मान की अवधारणा को स्पष्ट करता है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर स्थानीय मान की अवधारणा लगाया था, उन सभी के सही है, और अब एकस पे केवल गिनती पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ, देखिए यह स्थानीय मान की अवधारणा, जैसे कह दिया जाए, सीटेंट बहुत बार पूछा है, कह दिया जाए कि 10 इकाई, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 10 इकाई या 10 दहाई और 15 इकाई, 10 दहाई 15 इकाई, 10 दहाई माने 100, 15 इकाई माने 15, तो 115। ऐसे प्रश्न को सीटेंट में कई बार पूछे गए, इसका मात्र उद्देश्य होता है स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो कमेंट करके पूछेगा।
कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए हैं, टाइम पास करने के लिए आपको अन्य जगह मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनके लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के कहां पर है? तो बहुत ही आसान, देखिए वेन हाइल मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा तुरंत आप इसका उत्तर बता लेंगे। ठीक है, चलिए आइए तब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए छोटा सा दिमाग लगाना था, उतना आपके पास पहले से। कह रहा प्राथमिक स्तर बच्चों को दी गई आकृति को उनके बनावट के आधार पर वर्गीकृत करने को कहा गया, वेन हाइल के अनुसार कौन सा? जैसे मैं आपसे कह दिया जाए आपके घर का दरवाजा कैसा है, बताइए फटाफट, आपके घर का दरवाजा कैसा है? आपके घर के दरवाजे तुरंत दिमाग में बन गया, करिए हाँ आपका घर का दरवाजा कैसा है, मुझे नहीं पता आपको पता हो गया। आपके पिताजी कैसे दिखते हैं, बताइए आपके पिताजी कैसे दिखते हैं, आपकी माताजी कैसी दिखती हैं, आपका भाई कैसा दिखता है, आपका घर कैसा है, मुझे नहीं पता आपको पता है, आपका मित्र कैसा है, तो आपके दिमाग में उनकी तुरंत छवि बन जाती है, उनको तुरंत चित्र बन जाता है, उनका डायग्राम बन जाता है। जैसे मैंने कहा आपने आपका पापा का नाम पूछा तो आपके पापा का चित्र आपके दिमाग में बन गया। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, दुनिया में जितनी वस्तु का नाम लेने पर उनका चित्र आपके दिमाग में बन जाएगा, वे सभी संज्ञा होती हैं, याद रख लीजिएगा। दुनिया में जिन चीजों का नाम लेने पर आपके दिमाग में चित्र बन जाए वे सभी संज्ञा होती हैं। कोई भी नाम हमने लिया जिसका नाम लेने के बाद आपके दिमाग में चित्र बन जाए वे सभी संज्ञा होती हैं। जैसे मैंने कहा ताजमहल, क्या आपके दिमाग में ताजमहल बना? बन गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के कौन सा? अब फटाफट बताइएगा अब कौन सा विकल्प इसका सही होगा, अब कमेंट करिए तुरंत बताइए जल्दी जल्दी, कॉन्सेप्ट क्लियर, एनी डाउट? चलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, सोचिए। ठीक है, क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ, कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसा प्रश्न भविष्य में तो गलत नहीं होगा ना किसी का कि फिर भविष्य में आया तो गलत हो जाए। ठीक है, इसके ऑप्शन डिटेल बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, मैं इसको टॉपिक को ही पूरा पढ़ा दूंगा, मैं वेन हाइल के टॉपिक को कल या परसों में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो चार ही है, मुझे पांचों बताना है तो मैं पांचों किसी दिन टॉपिक लाके मैं पढ़ा दूंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ को दर्शाने के ये पांच तरीके हैं। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दे लिया इसका मतलब हमारे पढ़ाने के कौशल में कोई कमी नहीं है, अगर आपने नहीं दिया इसका मतलब मुझे पढ़ाने नहीं आता, मैं केवल केवल आपको गुमराह करने के लिए आता हूं। ठीक है, अब आपके पास है समय, पहले इस प्रश्न की भाषा समझिए एकदम जो तोड़कर, क्योंकि सीटेट को पास करने के लिए सीटेट की भाषा को डिकोड करना सीखिए, अगर आपने सीटेट की भाषा को डिकोड करना सीख लिया तो आपको कोई माइकल लाल परीक्षा में फेल नहीं कर सकता। आइए ध्यान से देखते हैं, हस्तप्रत प्रतिमान माने हाथ से करने वाले, ई लर्निंग विद दुर्गेश, हाथ से जितने भी काम किए जाते हैं वे हस्तपरक प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। और सीटेट में याद रखिएगा, सीटेट में जो जानते रह करो कमेंट का जवाब दे दिया करें, हस्तपरक प्रतिमान, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ जैसे मैं कमेंट का जवाब दूं या तो मैं अपनी व्याख्या करूं, तो इसलिए मैं बात कम करता हूं, नाम नहीं लेता हूं। ठीक है, यहां से देखिएगा, हस्तपरक प्रतिमान माने हाथ से करने वाले काम। जैसे बचपन में हम लोगों को याद होगा, आप लोग को, हम लोग ऐसे गाड़ी बना लिया करते थे, याद है, इस तरह से गाड़ी बना के डंडे से घुमाते थे, एक बड़े से टायर ले लेते थे और पूरे गांव में टहलाते थे, याद है आप लोग को? तो फिर वहां से हम लोग गिट्टी वाला खेल खेलते थे, तो ये हाथ से हम लोग स्वयं से बनाकर करते थे, तो क्या था, हस्तपरक। कैसे करते थे, देखकर सोचकर, जैसे अगर हम लोगों को कुछ तोड़ना होता था तो पत्थर मारते थे, तो उसके बाद डंडे में पत्थर लगाते थे तो काफी ऊपर जाता था, तो कैसा हो गया, हस्तपरक प्रतिमान हो गया। अब स्थिर चित्र, जमीन में बैठते थे तो खुरापात करते थे, कुछ चित्र बनाते थे, कुछ डायग्राम जमीन पर बनाते थे, तो स्थिर चित्र बनाते थे। लिखित प्रतीक करते थे, लिखित प्रतीक माने जैसे किसी को चिढ़ाना होता था तो हम लोग क्या करते, उसका चित्र बना देते थे। किसी को मौखिक भाषा का बुलाते थे, उसको उपनाम देते थे, टीचरों को हम उपनाम दे दिया करते थे, याद है बचपन में? ऐसा कैसे करते थे, मतलब ऐसा अपनी सोच से करते थे, अपनी चिंतन से करते थे। वैसा ज्यादातर लड़के कौन करते, जो तेज लड़के होते थे, मतलब मेरी बात यहाँ पे समझ से कक्षा की बेशक है, लेकिन जो लड़के थोड़ा सा चंचल स्वभाव के होते थे वो ज्यादा इस तरह से करते थे, टीचरों को उपनाम दे देना, बच्चों को तुरंत उपनाम दे देना, उनको परेशान करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बचपन से खुरापाती रहा हूँ,
टीचरों को परेशान करना मेरा आदत रहा है, लेकिन हाँ एक स्कॉलर अभ्यर्थी के रूप में रहा हूँ। वास्तविक संसार, क्योंकि मैंने पहली बार यूपीएससी मेंस लिखा था, इसका मतलब है कि कुछ तो बेहतर रहा होगा। वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ को दर्शाने के लिए ये सब पांच तरीके, अगर वास्तविक संसार को दर्शाना होता था अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए पांच तरीके, अब आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प अब आपको सही लगता है। अब बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लगता है, बताइए। अब आपको पता गया कि गणित की न परिचर्या है, या शब्द भंडार नहीं है, न गणित, यहाँ पे चिंतन और विचार। आपके मन में चिंता रहा, आपके मन में विचार आ रहा है, आपने क्या किया तुरंत इन पांच तरीके से अपना संदर्भ। तो ऐसे प्रश्नों को बताइए, हमने आपको उत्तर नहीं बताया, मैंने केवल भाषा को डिकोड कर दिया और आपने तुरंत उत्तर बता दिया। तो कुछ लोग कहते हैं ये दुर्गेश सर हमको सीटेट में ये समझ में नहीं आता कौन विकल्प सही है, हमें चारों सही लगता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, तीन सब्जेक्ट मैं स्वयं पढ़ाता हूँ। कौन सा? एक तो मैथमेटिक्स पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी, ईवीएस ईवीएस पेडोलॉजी और हिंदी, ये तीन की मैं गारंटी लेता हूँ कि 25 से कम तो आएंगे नहीं। अगर आ जाए तो आपका जूता मेरा सर, लेकिन हाँ आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जैसे मैं कहूँगा वैसे पढ़नी पड़ेगी, अपने तरीके से नहीं। वो वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना है, इसका विकल्प कौन सा ए सही है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे प्रश्न हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने एक छोटा सा बड़ा प्रश्न है, देखने में बड़ा है लेकिन उत्तर इसका बहुत ही छोटा है। तो भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद, भाग माने डिवाइड की अवधारणा पढ़ाने के बाद, एक शिक्षक कक्षा में गणती दीवार का निर्माण करते हैं। कौन सी? एक गणती दीवार का निर्माण करते हैं। गणती दीवार आपको करना है, आपको भी जिस प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे एनसीएफ 2005 ये कहता है दीवारों के चौतरफ में चित्रकारी करानी है, उसमें उनको क्या कराना है, सवाल हो, संडे मंडे हो, कुछ भी लिखवाना है। निर्माण कराते हैं शिक्षार्थियों को 48 घंटे के एक कालम से संबंधित कोई दो तथ्य लिखने कहते हैं, माने 48 घंटे से संबंधित एक तथ्य लिखने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए गणती दीवार पर अंकित 25 में याद दिया, 6 में 0 दिया, फिर बबिता, इस तरह से ये गणती दीवार है। यह गतिविधि शिक्षक की क्या सहायता करती है, ये जो गतिविधि है ये शिक्षक में किस प्रकार से मदद करती है, एक अध्यापक की किस प्रकार से मदद करती है। शोरमुक्त कक्षा वातावरण मन में अगले दो दिनों में शिक्षा किसी गणती कार्य में व्यस्त रखने के लिए, यहाँ पे ये चार विकल्प दिया गया है। मैं चाहूंगा कि बिना हल्ला किए आप अपना जवाब इलेनी दुर्गेश तक पहुंचाने का प्रयास करें, बिना शोरगोल रूप से। यहाँ से सारी चीजें मैं स्पष्ट रूप से पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, सारी क्लास की नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल है, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, इलेनी बी दुर्गेश को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इलेनी बी दुर्गेश, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखती हम लोग इस प्रश्न को पूरा अच्छे से विधिवत समझते हैं, फिर मैं व्याख्या करता हूँ, मैं बात नहीं करता। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका मोन मेटो सिलेक्शन है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कुछ लोग कोई बात को बुरा लगता है। यहाँ पे देखिए पहली बात कि शोरगुल कक्षा मुक्त वातावरण बनाने में, ठीक है जी, अध्यापक पीआईटी अध्यापक उत्तर प्रदेश, शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाने में, याद रखिएगा एक बात पहले नोट कर लीजिएगा कि कॉपी लेकर बैठे हो, आपकी कक्षा शोर मुक्त नहीं होना चाहिए, आपकी कक्षा जीवंत कक्षा होनी चाहिए। अगर आपकी कक्षा में शोरगुल नहीं होता तो अच्छी शिक्षण के कौशल नहीं है। जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ आपके उत्तर न चाहते हुए भी आप कमेंट करते हैं, इसका मतलब यह एक जीवंत कक्षा का उदाहरण है। मतलब मैं भी बोलूं और आप भी बोले, मतलब इसका दो होता है कि जीवंत कक्षा में अभ्यर्थी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात भी मैं आपको बता, तो हमने यहां पे देखा कि जीवंत कक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, मैं पढ़ाऊं और आप पढ़े, ठीक है। दूसरी बात, आप भी अपनी बातें रख सके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, माने आपकी बातें मुझ तक पहुंचे, और जब तक आपकी बातें मुझ तक नहीं पहुंचेंगी इसका दो कारण होगा। पहला कि मैं टॉपिक से बाहर बात नहीं करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि या तो मुझे कुछ आता नहीं है, मैं उतना ही रटकर आता हूं। दूसरी बात, मैं क्लास क्वेश्चन का जवाब नहीं देता हूं, क्लास क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं, कोई भी प्रश्न पूछेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप टॉपिक से इतर गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, गुड इवनिंग सर, सर कैसे हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। लेकिन आप कोई प्रश्न पूछेंगे मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। मैं संग नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने में कुछ सेकंड जाएंगे, मैं सबके नाम लूंगा, इतनी संख्या है किनका इनका नाम लूं। इसीलिए आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि एक कक्षा पूरी फ्रेंडली होनी चाहिए, इसलिए यह विकल्प आपका गलत। अगला प्रश्न,
अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखना। याद रखिएगा, हमें टारगेट रखकर शिक्षण कार्य नहीं करना है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा एक टारगेट हमारा गोल है, हमारा एम है, ठीक है। हमारा क्या है? एम है, हमारा गोल है, ठीक है। हमारा क्या है? एम और गोल है, और अन्य कोई टारगेट नहीं है। हमें 5 दिन में खत्म करना है, 6 दिन में खत्म करना है, 1 हफ्ते में खत्म, जी नहीं, जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाएं तब तक हमें पढ़ाना है, तब तक हमें आगे बढ़ना है। इस बात को हमें और आपको अच्छी तरीके से जानते रहना होगा। मतलब मेरा और आपका एकमात्र उद्देश्य केवल केवल सेलेक्शन होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्लास खत्म होगी, लास्ट में आपके प्रश्न पूछने का मैं पूरा मौका दूंगा। बीच में मैं क्लास डिस्टर्ब न करता हूँ, न होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा, आपको भी दिक्कत होगी। प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति एक दूसरे का अवसर देना, मेरी उद्देश्य है कि ये एनसीएफ 2005 भी कहता है, आप की कक्षा में जितने लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के पास अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति कब होगी? जब उनके अंदर एक शिक्षक और अध्यापक का डर पूरी तरह से रहेगा, तब तक वो अभिव्यक्ति नहीं रहेगी। आपकी कक्षा जीवंत कक्षा हो और आपकी कक्षा में कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी बच्चा खड़ा होकर आपसे सवाल कर सके, यह आपका एनसीएफ 2005 कहता है। इसलिए जैसे आपने पूछा, मैंने आपको तुरंत कह दिया, अरे तुमको नहीं आता, बैठ जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से अन्य बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और वो अपनी बात आप तक स्पष्ट नहीं रख पाते, इसलिए यह बात आपको नहीं करना है। दूसरा, शिक्षार्थी द्वारा दिए गए तथ्यों को रिकॉर्ड रखना, यह भी नहीं करना है। अब बताइए, चारों नहीं करना, इसमें करना क्या है? अब कोई गणती दीवार बना दिया जाए और कहा जाए आप अपने मन से कोई सवाल लिखिए, तो हो सकता है मुझे ये याद हो 2+1 मैं 3 लिख दूंगा, हो सकता है मुझे और ज्यादा याद हो, हमारे पापा ने और अच्छे से पढ़ाया हो, मैं क्या कर सकूंगा 5+6=30। तो जितना मेरे पास अभिव्यक्ति है मैं उतना उस दीवाल पर लिखूंगा, उस दीवाल पर व्यक्त करूंगा। जैसे बचपन में होता था, एक पाठ एक लेस एक आ, 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 एक पेज में आपको हिंदी लिख कराना है, तो हम लोग क्या करते थे, जो कविता ज्यादा अच्छी लगती थी, जो कहानी ज्यादा अच्छी लगती थी, वही लिख कर जाते थे। याद है आप लोग को? मुझे याद है, क्योंकि मेरी राइटिंग शुरू से गड़बड़ है, आज भी गड़बड़ है, इसलिए यूपीएससी मेंस में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो वहाँ पे क्या होते है, मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ थी, तो मैं क्या करता था, मैं वही लिखकर बाबा ले जाता था जो मुझे पसंद था। लेकिन अगर ये कह दिया जाता यही लेसन लिखकर लाना, तो बड़ा बोरिंग सा लगता था, यार ये मैं क्यों लिखूं। तो यही बात अब यहां लागू होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ये होगा कि प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति एक दूसरे के सीखने का अवसर देता है। माने प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे को सीखने का अवसर देता है, इसलिए हमें उनके बातों को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सके। मुझे लगता है मैं इस प्रश्न को समझाने में आपका काफी समय ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके 4 से 5 प्रश्न सीटेट के तैयार करा दिए। आपको नहीं लगा होगा, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे या जब पेपर को हल करेंगे, तब मेरी बातें अगर आपके दिमाग में आएंगी तो कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। सीटेट पैडोलॉजी आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन हाँ उसके तथ्यों को समझना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। 5 प्रश्न पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, 50 प्रश्न पढ़ो उसका कोई मतलब नहीं जब तक उसकी व्याख्या ना हो। अगला है, शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाशुक माने देखने की स्मृति के अवरोधन का संभावित संकेतक है। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं, और आप भी चाहेंगे गौर करें यहां से, ठीक है। तो सीटेट के लिए सीटेट को डॉक्टर पकड़ेगा, क्योंकि बहुत लगता है कि जो सीटेट कभी परीक्षा नहीं दी है वो भी सीटेट पढ़ाते हैं, जो कभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो लोग भी सीटेट एक क्लासेस पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर को मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाशुक स्मृति देखने की जो क्षमता होती है, अवरोधन का संभावित संकेतक क्या है, कैसा क्या संभावना है जिसकी वजह से ऐसा घटना घटेगी, तो जरा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे या तो मैं बताऊंगा। देखिए, छोटे परिचालकों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई होती है, एक क्रम गणना करने में कठिनाई होती है, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई होती है, गणितीय संबंधित तथ्यों संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होती है। अगर हमें कोई चीज़ देखकर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, देखकर नहीं समझा पा रहा हूँ, इसका मतलब ठीक है आपको क्या है, गणितीय तथ्यों के संसाधन में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई हो रही है। यार चक्षुषीकरण माने देखना, आंख वाला प्रॉब्लम, चक्षु माने आंख होता है, ये शब्दावली आप लोग जानते रहेगा, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, गणित के जादू में, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, मैंने हिंट पहले दे दिया था, मैंने क्या किया था, हिंट आपको पहले दे दिया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, अगर आपको कोई डाउट हो कि कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको लग रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये 2 पार्टों में प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ पाता।
यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया गया, एक शिक्षक कक्षा तीन के निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है, मतलब कक्षा तीन में एक अध्यापक है आप या अध्यापिका भी है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, अध्यापक और अध्यापिका दोनों जुड़े हुए हैं, और आप लोग क्या करते हैं कि एक कार्ड देते हैं बच्चों को और कहते हैं कि यार इसको मिलाइए, तो यार आप तो मिला लेंगे, लेकिन मिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इस खेल का उद्देश्य क्या है, इस खेल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस खेल का उद्देश्य क्या है, ये काफ़ी मायने रखता है। आइए देखते हैं इस खेल का उद्देश्य क्या है। आइए पहले एक बार हम वापस आते हैं, पहले थोड़ा सा बच्चों वाला गेम खेलते हैं। ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो हमें लग रहा है ये वाला यहाँ मिलेगा, ये त्रिभुज वाला यहाँ आएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ है। क्या मैंने सही मिलाया है, क्या मैंने सही मिलाया? देखिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मंद बुद्धि वाला कर रहा हूँ, मैंने सही मिलाया ना। अब आगे आते हैं प्रश्न की तरफ, मैं आपको हिंट दिया हूँ इस प्रश्न में। अब आपको यहाँ पे चार विकल्प हैं, इस विकल्प में और आपको उत्तर देना है, कमेंट में जवाब देना, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा। हो गया होगा ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि इस खेल के वातावरण को व्यस्त करना और आनंद में बनाना, आनंद में तो बनेगा लेकिन व्यस्त करना उद्देश्य नहीं है। हाथ के समन्वय बढ़ाना ये भी नहीं है, समानता और सर्वसमता का ये भी नहीं है, क्योंकि कक्षा तीन की बात कहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विभिन्न अभिन्यास समान आकृतियों को पहचान करने में बच्चों की मदद करना। मैंने जो जैसे यहाँ पे था ना त्रिभुज टाइप का, त्रिभुज के पास चतुर्भुज का, चतुर्भुज के पास, तो क्या वो विभिन्न जो आकृति विन्यास था उन्हें आपस में जोड़कर रखना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसलिए दिए गए प्रश्न का विकल्प क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। समानता और सर्वांग समता, मतलब यहाँ पर जैसे त्रिभुज का आपने पढ़ा होगा सर्वांग समता का नियम, वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कक्षा तीन के बच्चों को हमें समानता और सर्वांग समता ऐसी चीज़ों को यहाँ पर नहीं पढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें परिभाषा, शब्दावली, इन सभी से बच्चों को दूर रखना होता है, सूचना से भी दूर रखना होता है। ये बात कौन कहता है, NCF 2005 कहता है। क्लियर, आगे बढ़ूँ जी। एक पास में छोटा सा एक मुर्गा पाला हुआ है और वो पूरा दिन चिल्लाता रहता है, पूरा दिन, रात में भी चिल्लाता है, एक ही मुर्गा है और काफ़ी मुझे लगता है वो 8 से 10 साल पुराना है, ठीक है, और पूरा दिन रात में भी चिल्ला रहा है, समय भी चिल्ला रहा है। अगला प्रश्न है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जियो बोर्ड है, जियो का सिम नहीं, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड आपको पता होगा कि ज्यामितीय आकृतियों को पहचानना, उनकी विशेषता करना जियो बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। तो जियो से आप लोगों को सीधा पता होगा ज्योमेट्री की बात ही कर रही है, और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, बचपन से हम लोग को डर बना हुआ है कि ये आकृति उकृति क्या होती है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ जिसको ज्योमेट्री समझ में ना आए वो ई लर्निंग पे दुर्गेश मेरी क्लास जरूर पढ़ेगा ज्योमेट्री की। मैं बिना नियम बिना फॉर्मूले की उसी पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा और कभी भी ज्योमेट्री के सवाल उससे गलत नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है कि ज्योमेट्री के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर उत्तर भी तो नहीं बताया सर ने, इसका क्या होगा। ज्यामिति आकृतियां और उसकी विशेषता, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि टेलीग्राम पहले जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिए दुर्गेश बिना स्पेस के, और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़िएगा, और यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ई लर्निंग भी दुर्गेश, सभी जगह हमें कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलता रहेगा, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने शायद दिख रहा होगा कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। चार विकल्प आपके पास हैं, उन्हीं चारों विकल्पों में से आपको चयन करना है और किसी एक विकल्प पे ताला लगाना है, और एकदम आसान है। मैं मानता हूं शिक्षण पेडोलॉजी को अगर ईमानदारी से पढ़ा दिया जाए उससे आसान भारत में कोई विषय नहीं बना है। जी हाँ, सीटेट के लिए सबसे ज्यादा सरल शिक्षण है, आप लोग कक्षा जीवन से एकदम शांत हो गई, कोई हलचल नहीं, कोई शोरगुल नहीं, पढ़ लिया आप लोगों ने विकल्प चारों, पढ़ लिया चारों विकल्प अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया। आइए तब हम लोगों ने एक बात यहाँ पे सीखा, एक बात हम लोगों ने जाना कि कक्षा कक्ष में जो गणित की भाषा होती है उसमें निपुणता के लिए सबसे पहली बात आप जानते रहिएगा, हमें रोजमर्रा की भाषा यूज करना है। इसे एक अध्याय आपके सिलेबस में गणित की भाषा, जैसे गणित की भी अपनी भाषा होती है,
आपको पता है गणित का भी अपना एक व्याकरण होता है, जैसे हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, वैसे गणित का भी अपना व्याकरण होता है, गणित की भी अपना भाषा होती है। जैसे मैं कह दिया आप हमसे ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा क्या है, गणित की भाषा, इसका मतलब आप हमसे ज़्यादा खाते हैं, हमसे ज़्यादा मोटे, हमसे ज़्यादा भारी होंगे। आप हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसका मतलब अगर मैं 4 घंटे तो आप 8 घंटे, या 4 से 4.5 घंटे, तो क्या होगा, ये एक भाषा है। तो क्या होगा, ये ज़्यादा कह दिया मैंने, एक भाषा होगी। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चों से गलती भाषा के लिए रोज़मर्रा की भाषा यूज करना चाहिए। तो रोज़मर्रा की भाषा विकल्प 3 है और विकल्प ए है, माने ये दोनों विकल्प अपने आप गलत, अपने आप गलत। फिर गणती समस्या का समाधान करना, यहाँ पे गणतीकरण की स्थिति भाषा, तो समस्या समाधान बच्चा भी कहाँ से करेगा, अभी तो आपने रोज़मर्रा की भाषा सीखा, इसका मतलब ये विकल्प गलत। अब कौन सा विकल्प बचा, अब गणतीकरण स्थिति की भाषा, स्थिति का भाषा मतलब क्या है, ये बताइए किसका घर दूर है, मोहन का या सुमन का। कहता सर हम जल्दी पहुंच जाते हैं, मोहन लेट से आता है, सर मोहन का घर दूर है, ये क्या होगा, गणतीकरण स्थिति की भाषा। फिर गणती समस्या का समाधान करना, अच्छा ये बताओ इनके पास 3 कलम, इनके पास 2 कलम, ज़्यादा किसके पास है, सर मोहन के पास। कैसे सर, उनके पास 3 है, मेरे पास 2 है, इसके पास ज़्यादा इनका है। तो बच्चे ने क्या किया, अब समस्या का समाधान भी करना शुरू किया, जो गणती भाषा की समस्या थी उसका समाधान ही बच्चा कर दिया। अब जैसे पता चला कौन क्लास में सबसे लंबा है, पता चला ये है, ये मोहन है, सोहन है, रीना है, करीना है, कौन सबसे छोटे हैं, तो ये कैसे हुआ, अब ये गणती समस्या का समाधान भी करने लगे, यूनिट नहीं पता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होगा, जैसे मोहन के पास 3 पेन, सोहन के पास 2, कुल कितने पेन, 5, तो ये प्लस का चिन्ह आया, अब प्रतीकात्मक भाषा आया। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा, ए इसका राइट आंसर, ए इसका सही जवाब। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कितने लोगों को समझ में आया, जिनको समझ में आ गया वाई कमेंट करें, जिन्हें नहीं समझ में आया वो यन कमेंट करें, क्यों सही हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि मैं कितना भी चिल्लाऊं, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए पढ़ रहे हैं ना, कोई भी होगा इसका विकल्प यह है, आगे बढ़ते अगले पास, ऐसी पढ़ाई आप मत पढ़िएगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ऐसी पढ़ाइयों से आप दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से भी दूर रहने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू आप सभी का, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, गणती प्रक्रमण संबंधित प्रवाह पूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों और कुशल कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना, ये गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। ये गणित में लचीलापन की तरफ कैसे संकेत करता है, एक बार आप विकल्प को अच्छे से देख लें। समान प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता, 7 अंगणित, ज्यामिति समस्या का समाधान, 1 से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए खास प्रकार समस्या का समाधान करने की योग्यता, परिशुद्धता, 7 समस्या समाधान करने, आपने भी पढ़ लिया जितना तेज मैंने पढ़ा, चलिए आप जवाब देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गणित में जो प्रक्रम है, इन संबंधित प्रवाह पूर्णता, अर्थ, नियम, सूत्र, कलन विधि, इनका ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन, निपुणता का साथ उनका क्रियान्वयन करना, ये गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं, समान प्रकार की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए, समान निपुणता के साथ अंगणित और ज्यामिति समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए, 1 से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहिए, परिशुद्धता के साथ, देखिए परिशुद्धता की बात ही खत्म, ये गलत हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुद्धता की बात नहीं है, आप गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे यार, मैं तो कहता हूँ उत्तर, सवाल का उत्तर गलत बताइए, लेकिन इसकी व्याख्या सीखिए, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उत्तर से नहीं मतलब है, इसकी व्याख्या से मतलब होनी चाहिए, बस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए, क्योंकि परीक्षा हाल में परफॉर्मेंस करना है, आपको यहाँ बताकर कोई मतलब नहीं, आपको सिलेक्शन तो वहाँ से मिलेगा ना, परीक्षा हाल से। दूसरी बात, यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर आपको सही लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा मैं इसकी विशेषता पहले आपको बता दूं, क्योंकि 1 से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार के समाधान, समस्या के समाधान करने की योग्यता, जैसे मैंने कह दिया कि किन संख्याओं का योग 12 होगा, किन संख्याओं का योग 12 होगा, तो मुझे लगता है कि आप इसे कई प्रकार से बता सकते हैं। कब बता पाएंगे, जब आप इन सभी में निपुण होंगे, नियम, सूत्र, कलन, गणित ज्ञान आदि में निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करेंगे, तो गणित में जो लचीलापन होता है यही है। जैसे कुछ लोग कहेंगे सर 4 + 8, लेकिन कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर 24/2, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर 4×3, माने उनको 12 लाना है, तो कई प्रकार के उपागम प्रयोग करेंगे, माने एक समस्या को सुलझाने के लिए कई प्रकार के समाधान ला देंगे। तो
उम्मीद करता हूँ मेरी बात का आप तक पहुँचा होगा, आप सभी को ये पूरा तथ्य स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपके कमेंट लेना चाहूँगा, आप कमेंट चाहें कि मैं आपके जवाब दूँ तो आप बेचक बता सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़े रहेगा, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ना है। और ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको या नोट्स चाहिए एनसीईआरटी घर बैठे प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिएगा।